अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस मानूर। आज का हमारा टॉपिक है सिंबल की। सिंबल की क्या होती है और वो क्या काम करती है? आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा कीबोर्डिंग स्किल्स। इस चैप्टर में हमने कीबोर्ड के स्किल के बारे में पढ़ना है। कीबोर्ड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके फंक्शन क्या है, इसमें कितनी कीज हैं, कौन कौन सी हैं, कहाँ होती हैं। आज के इस चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वेयर इज सिंबल की, कि सिंबल की जो होती है वो कहाँ होती है। आंसर है हमारा सिंबल की आर फाउंड अबव द अल्फाबेटिक की। जो सिंबल की है वो अल्फाबेटिक की के ऊपर होती है, यानी जो अल्फाबेटिक की होती है उसके ऊपर वाली लाइन में एक सिंबल की होती है। सिंबल्स की आर फाउंड अबव द अल्फाबेटिक की। जो सिंबल की है वो कहाँ होती है? अल्फाबेटिक की के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करेंगे। सिंबल की क्या है, कैसे काम करती है और कहाँ होती है। सिंबल्स कीज आर फाउंड अबव द अल्फाबेटिक कीज। जो सिंबल कीज हैं वो फाउंड होती हैं अबव, ऊपर ऑफ द अल्फाबेटिक की, अल्फाबेटिक की के। जो सिंबल्स की हैं वो कहाँ होती हैं? अल्फाबेटिक की के ऊपर वाली लाइन में। व्हेन द शिफ्ट की एंड नंबर की अबव द अल्फाबेटिक की आर प्रेस टुगेदर। जब हम शिफ्ट की और नंबर की, जो अल्फाबेटिक की के ऊपर होता है, उसको एक साथ दबाते हैं, दे प्रिंट, वो प्रिंट करती है आ सिंबल, एक सिंबल को इन आ डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट में। क्या कहता है वो? व्हेन द शिफ्ट की एंड आ नंबर की अबव द अल्फाबेट की आर प्रेस टुगेदर। जब हम शिफ्ट की को और नंबर की, जो हमारी अल्फाबेटिक की के ऊपर होती है, जब हम उसको एक साथ दबाते हैं, दे प्रिंट आ सिंबल इन आ डॉक्यूमेंट, ये हमारे डॉक्यूमेंट में एक सिंबल प्रिंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल देते हैं। प्रेसिंग द शिफ्ट की +1। जब हम शिफ्ट की और 1 को प्रेस करेंगे, गिव द सिंबल, वो हमें एक सिंबल देगा। अब आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे, आपके पास नंबर की के ऊपर कौन कौन से साइन मीन्स के सिंबल दिए गए हैं। अदर सिंबल्स आर हैश, डॉलर, परसेंटेज, एंड साइन, प्लस, माइनस, एटसेट्रा। हमारे पास साइन कौन से होते हैं? एट द रेट होता है, डॉलर साइन होता है, हैश का होता है, परसेंटेज का होता है, एंड का होता है, स्टेरिक होता है हमारा, ब्रैकेट क्लोज होता है, ब्लैक ब्रैकेट ओपन होती है। ये हमारे क्या है? सिंबल्स हैं। ये कहाँ होती है? हमारी अल्फाबेटिक की के अबव की जो होती है नंबर की, वहां पे दी गई होती हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा है? सिंबल की क्या है और वो कैसे काम करती है और वो कहाँ होती है। क्या कहा था? व्हेन द शिफ्ट की एंड नंबर की अबव द अल्फाबेटिक कीज आर प्रेस टुगेदर, दे प्रिंट आ सिंबल इन आ डॉक्यूमेंट। जब हम अपनी शिफ्ट की को और नंबर की को, जो हमारी अल्फाबेटिक की के ऊपर होती है, उसको जब हम प्रेस करते हैं, तो हमें वो एक सिंबल प्रिंट करके देता है हमारे डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रेस करते हैं शिफ्ट की को और 2 को करें, 3 को करें, 4 को करें, जिस नंबर को भी आप प्रेस करेंगे, जो हमारा सिंबल उसके ऊपर दिया जाएगा, यानी अगर हम 2 को प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ, जो हमारी अल्फाबेटिक की के ऊपर होगा नंबर लाइन, नंबर की, वो नंबर की जो हमारी अल्फाबेटिक कीज के ऊपर होंगी, वो हमारी सिंबल्स की हैं होती हैं। यानी जब हम उस नंबर की को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो हमें हमें वो एक सिंबल प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट की +2। जब हम शिफ्ट की के साथ उस नंबर की को प्रेस करेंगे जो अल्फाबेटिक की के ऊपर होती है, तो हमें कौन सा सिंबल प्रिंट होके मिलेगा? एट द रेट। कौन सा प्रिंट होके मिलेगा? एट का साइन। तो स्टूडेंट्स,
आप इस लेक्चर को अच्छी तरह 2 से 3 बार सुने, इसको समझें, इसको याद करें और आपको इस लेक्चर के हवाले से एक क्विज दिया जाएगा। जब आप ये लेक्चर अच्छे से सुनेंगे, इसको समझेंगे, तो ही आप वो क्विज सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर को अच्छी तरह समझें, फिर उस क्विज को आपने लाजमी सॉल्व करना है। उस क्विज की टाइमिंग सुबह 9 बजे की है, जो कि अगले दिन आपको 9 बजे मिलेंगे। तो उस क्विज को अच्छी तरह समझें और उसको सॉल्व करें। शुक्रिया।